राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी सियासी उठापटक का खेल जग जाहिर है। सचिन पायलट और गहलोत गुट के बीच चल रही तकरार का नेताओं की बयानबाजी से अंदाजा लगाया जा सकता है। सियासी हलकों में शब्दों का काफी महत्व होता है, खासकर जब कोई बड़ा नेता कोई बयान देता है तो उनके कई मायने निकल कर आते हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा दिए गए बयान के बाद सियासत का पारा हाई है। वीडियो में डोटासरा ने एक अधिकारी से फोन पर बात करते हुए ऐसा बयान दिया जिससे सियासत एक बार फिर से गर्माने लगी है। इस वीडियो में डोटासरा ने नाम लिए बिना ही बहुत कुछ कह दिया। डोटासरा फोन पर एक अधिकारी से शादी में लोगों की संख्या बढ़ाने को लेकर चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में डोटासरा ये कहते हुए दिख रहे हैं कि 1.5 साल से कोरोना महामारी के दौरान शादी व्यवसाय वालों का आर्थिक संकट खड़ा होने लगा है, तो वहीं ऐसे आयोजनों में लोगों को भी परेशानी होने लगी है। डोटासरा ने अधिकारी से कहा कि शादियों में लोगों की संख्या बढ़ाई जाए, जब सभी काम हो रहे हैं तो इन्हें क्यों रोका जाए। डोटासरा बोले, जब जन्मदिन पर हजारों लोग जुट रहे हैं तो ऐसे में शादियों में भी छूट दे देनी चाहिए। लोग बाहर से भी शादियां करने आते हैं तो मतलब महीने दो महीने बाद में भी आएंगे, तो आज अगर होगी छूट तो भी बुकिंग कराएंगे वो, तो बात तो इनकी भी वाजिब है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए इनको भी बेचारा, वो मरते तो सोच दुनिया ही हो रही है, चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े जन्मदिन मन रहे हैं, 20-20, 2-2, 5-5 हजार लोग इकट्ठे कर रहे थे, इनको क्यों मारे, इनको भी छूट दो। अब डोटासरा के इस बयान को सचिन पायलट के जन्मदिन से जोड़कर देखा जा रहा है। बीते दिनों सचिन पायलट ने अपना जन्मदिन मनाया था, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ऐसे में डोटासरा का ये कहना है कि जब जन्मदिन पर हजारों लोग जुट रहे हैं तो शादी में छूट दे देनी चाहिए। इस बयान के कई मतलब निकल कर सामने आ रहे हैं। वहीं डोटासरा के साथ इस वीडियो में प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्कूल बंद होने पर मंत्री महोदय को चिंता नहीं हुई, लेकिन शादी का जिक्र करना उचित कैसे है। खैर, अब डोटासरा के इस वायरल वीडियो पर आगे सियासत का पारा कितना हाई रहता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जयपुर से बनवारी उपाध्याय की रिपोर्ट।